कुपोषण और व्यवस्थाओं से जंग हारी लक्ष्मी, ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत। कुपोषण खत्म करने के लिए सरकार कितने भी नारे बुलंद कर ले, योजनाओं का ढेर लगा दे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी ग्रामीण अंचल में कुपोषण बच्चों की जान ले रहा है। शनिवार को कोलारस में सामने आए कुपोषण के मामले में एक साल की लक्ष्मी ने व्यवस्थाओं से जंग हार कर अपनी जान गंवा दी। शनिवार को कोलारस के चंद्रभान आदिवासी अपनी एक साल की बच्ची लक्ष्मी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां से बच्ची को शिवपुरी रेफर कर दिया और रविवार को उसे शिवपुरी से ग्वालियर रेफर कर दिया। आखिर में ग्वालियर में लक्ष्मी ने दम तोड़ दिया। एक साल के लक्ष्मी का वजन महज 2.5 किलो था। शरीर इतना कमजोर था कि हड्डियाँ गिन सकते थे। शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो ठीक से भी बैठ पाए। चंद्रभान ने रविवार को कोलारस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों पर ठीक से इलाज ना करने के आरोप लगाए थे। उसका कहना था कि 3 दिन से चक्कर लगाने के बाद भी इलाज नहीं मिल पाया, लेकिन चंद्रभान ने लगाए आरोप तो सही हैं, तो लक्ष्मी की मौत की जिम्मेदार के लिए कुपोषण के साथ अव्यवस्थाएं भी जिम्मेदार होंगी। यदि बच्ची को समय पर इलाज मिल पाता तो शायद वो बच सकती थी। लक्ष्मी के भाई काना भी कुपोषण के शिकार हैं और सोमवार को उसे NRC में भर्ती किया गया है। अच्छा, क्या हो गया इसको? अच्छा, कितने साल का ये? एक साल का है। तो आप कब से आ रही हैं अस्पताल? कल आए, परों भी आया। तो डॉक्टर ने देख लिया, इलाज चालू हुआ कि नहीं हुआ आपका? नहीं, परों ही नहीं है मैंने। क्या बोलते हैं डॉक्टर आपसे? देखो ही नहीं है मैंने, मना कर दई। क्या बोल दिया? जैसे अपने देख पा रहे। अच्छा, देख ही नहीं पा रहे। तो अभी आप अस्पताल में बैठे हो, कोई डॉक्टर नहीं देख रहा, क्या करेंगे आगे आप? मेरे संज्ञान में ये मैटर आया है और मैंने इसकी अपने स्तर पर जानकारी ली है। अभी 15 दिन पहले ही उसके पिता और पर वहाँ पे आए हैं और उसके बाद में ये संज्ञान में आया था कि ये वहाँ कोलारस अस्पताल गया था, जहाँ अस्पताल की एम्बुलेंस से इसको जिला चिकित्सालय रेफ़र किया गया। जिला चिकित्सालय में इसका इलाज चलाया और उसके बाद में इसको, चूँकि अत्यधिक कुपोषित था बच्चा, तो अति कुपोषित इकाई जो है वो मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में है, वहाँ के लिए इसको रेफ़र किया गया था। क्या कहना? नहीं, अभी मुझे सूचना मिली है इसकी, आज आप लोग की जानकारी में होगा ही कि वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसके बाद मीटिंग चल रही थी, तो अभी ये मुझे सूचना मिल गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसमें जो भी जिम्मेदार अगर कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।